आजकल लड़कियां, आजकल लड़के, कुछ लड़के, कुछ लड़कियां पढ़ने लिखने के नाम पर पढ़ाई लिखाई करना बुरा नहीं है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खूब पढ़ना, खूब नाम रोशन करना, पर पढ़ाई लिखाई के नाम पर कुछ बच्चे जो प्यार कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं और अपना माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपके माँ बाप कितना आप लोगों के लिए चिंतित रहा करते थे, कितना सपना देखा करते थे आप लोगों के लिए? एक लड़की जब अपने माँ बाप को छोड़कर किसी लड़के से शादी कर लेती है ना, तो आपके पिताजी जिस गली से गुजरते हैं ना, लोग उन्हें ताना मारते हैं, अरे इसकी बेटी भाग गई, अरे इसका बेटा भाग गया। समाज में लोग उन्हें अच्छा नहीं कहते जिनकी बेटियां भाग जाती हैं, जिनके बेटे लड़का लड़कियों के साथ भाग जाते हैं। समाज में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हें भोपाल भेजा, तुम्हें पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजा, तुम्हें पढ़ाने के लिए बेंगलोर भेजा, और तुमने वहाँ किसी लड़का लड़की से प्यार कर लिया। तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए मेहनत मजदूरी करके दो पैसा ज़्यादा कमा कर तुम्हें बड़े शहर में पढ़ाने के लिए भेजा था, पर तुमने अपने माँ बाप के विश्वास पर आघात कर दिया कि नहीं? किसी लड़का लड़की से प्यार करके शादी कर लेते हो, फिर लोग क्या कहते हैं, अरे बड़ा पढ़ाने के लिए भेजा था शहर में, इसकी बेटी भाग गई। एक बेटी भागती है तो समाज का हर पिता अपनी बेटी को देखने लग जाता है, मन में सोचने लग जाता है, कहीं मेरी बेटी भी तो नहीं भाग जाएगी, कहीं मेरी बेटी भी तो मेरे नाम को ऐसे बदनाम ना कर देगी। समाज में वो लोग बहुत बदनाम हो जाते हैं जिनकी बेटियां भाग जाती हैं किसी लड़के के साथ, बेटे भाग जाते हैं किन्हीं लड़कों लड़कियों के साथ, कितना गलत प्रभाव पड़ता है। माँ बाप का क्या कसूर था? केवल यही ना कि तुम्हें पढ़ा लिखा करके योग्य बनाना चाहते थे? ऐसे में कौन माँ बाप अपनी बेटियों को और अपने बेटों को पढ़ाएगा? इसलिए यदि माँ बाप ने तुम पर विश्वास किया है तो उस विश्वास पर खरे उतरना ये बेटा और बेटियों की जिम्मेदारी है कि आप अपने माँ बाप के विश्वास को तोड़े ना। एक लड़की, हमारे यहां शादियां होती हैं, तुम्हारे पिताजी लड़का ढूंढते हैं अच्छे नाम, अच्छे गोत्र का, अच्छे खानदान का। आजकल लड़कियों को इतनी जल्दी होती है कि थोड़ा 21 22 साल की हुई, 18 साल की हुई, अपने लिए एक लड़का ढूंढ के और भाग जाती हैं। कुछ लड़कियां शादी कर लेती हैं, इतनी भी जल्दी क्या है, शादी ही तो करना है। तुम्हारे माँ बाप तुमसे अच्छा जानते हैं, तुमसे अच्छा डिसीजन लेंगे, तुमसे अच्छा दुल्हा तुम्हें ढूंढ करके देंगे। तुम्हारा निर्णय मेरी बहनों बिल्कुल गलत है, किसी भी लड़के के साथ भाग जाना। आजकल की लड़कियां, एक लड़की ने एक मुसलमान लड़के से प्यार कर लिया, एक लड़की ने एक मुसलमान लड़के से प्यार कर लिया, और जब उसके माता पिता को पता चला तो माँ बाप ने रोका, अरे बेटी तू क्या कर रही है, तू जिस लड़के से प्यार करती है वो मुसलमान है, तू गाय की पूजा करती है, तू गाय की आरती उतारती है, तू गाय को माता मानती है, वो लोग गाय को पका करके खा जाते हैं, बेटी तू उनके घर में कैसे रहेगी, तू गाय का मांस कैसे बनाकर पकाकर उन्हें खिलाएगी। लड़की बोली, ना पिताजी, मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो ऐसा नहीं है, वो मेरे लिए उसने सारा मांस मदिरा छोड़ दिया। बहुत समझाया माँ बाप ने एक लड़की को, नहीं मानी, कर ली शादी। शादी हुई, वो अपने ससुराल गई तो मुसलमान है, उन्होंने गाय का मांस लेकर आए, उस लड़की से कहा कि तुम इसे पकाओ। बोले, आपने तो कहा था कि ये सब नहीं होगा। बोले, ना हमारे यहाँ की रस्म है, तुम्हें ये गाय का मांस पकाना पड़ेगा, हमारे यहाँ तो वो लोग कहते हैं गाय का मांस खाना हमारे लिए जायज है, अब बनाओ उनके लिए मांस, अब क्या करोगी, कहाँ जाओगी। उसे गाय का मांस बना करके उन्हें खिलाना पड़ा, और खिलाया नहीं, उसने तुम्हारे मुंह पर ठूंसा, तुम भी खाओ, खिलाया, अब क्या करो। एक लड़की ने एक मुसलमान लड़के से शादी की, उसने कहा कि चलो हनीमून मनाने चलते हैं विदेश। एक देश में ले जाकर 30 लाख की बोली लगी, 30 लाख रुपए में तुम्हें बेच दिया, उस लड़की को 30 लाख में बेच कर आया, कल दूसरी लड़की फंसाएगा, तीसरी लड़की फंसाएगा। लोगों का धंधा है ये, विदेशों में ले जाकर जितनी सुंदर लड़की होगी उतने ज्यादा दाम मिलेंगे विदेशों में, और सारी जिंदगी
तुमसे वहां बर्तन धुलवाया जाएगा, तुम्हारे शरीर का शोषण कराया जाएगा, वैश्याओं की तरह तुम्हें समाज के सामने परोसा जाएगा। ये होता है विदेशों में उन लड़कियों का जो मनमाने ढंग से लव जिहाद के चक्कर में फंस जाया करती है। इसलिए आप बहन बेटियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग, एक लड़की एक शादी करके चली गई एक मुसलमान लड़के से, और बाद में वो एक आतंकवादी संगठन में सम्मिलित हो गई। द केरला स्टोरी की एक कथा मैं आपको सुनाई दे रहा हूं। वो लड़की आतंकवादी हो गई, बंदूक लेकर चलाने लग गई, सबको मारने लग गई। एक दिन उसका हृदय परिवर्तन अपने आप हुआ, वापस लौटकर अपने घर आई और अपने पिता से कहा, पिताजी तुमने मुझे आतंकवादी बना दिया। पिता ने कहा, बेटी मैंने तुझे कहाँ आतंकवादी बनाया, मैंने तो तुझे पढ़ाने भेजा था। उस लड़की ने कहा कि मुझे पढ़ाने के पहले आपने राम जी के, कृष्ण जी के, गीता और रामायण के सही संस्कार दिए होते तो दूसरों के बरगलाने पर मैं अपना धर्म छोड़कर दूसरों के धर्म में ना गई होती, और ना गई होती तो मैं आतंकवादी ना होती। तुम अपने बच्चों को बताओ कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। आजकल विदेश, आजकल लोग तुम्हारी बहन बेटियों को फंसाते हैं, ऐसा कहते हैं, अरे तुम्हारे कृष्ण भगवान ने तो 16,108 विवाह किया था। अब बताओ कृष्ण भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किया था? लड़कियों को लगता है कि जब उन्होंने इतने विवाह किए तो हम क्यों नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसा किया। अरे वो भगवान है, उन्होंने एक उंगली से पहाड़ भी उठाया था, इतने समूह में ब्रह्मांड भी दिखाया था। कथा लंबी है, इसलिए हर पिता की जिम्मेदारी है कि आप अपनी बेटियों को सही रास्ता बताएं, अपने धर्म का पाठ पढ़ाएं। राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, इतने विवाह क्यों किए? मैं इस बात पर खूब बोलता हूं, हर बार हर कथा में बोलता हूं। अभी समय कम है, भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए, इस पर मैंने कई बार समझाया क्यों किए। आपको भी पता होना चाहिए कि भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया था और उस कन्याओं के साथ अत्याचार करता था। भगवान ने उस राक्षस को मार के कहा, कन्याओं अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा, हम पर पुरुष के पास हैं, अब घर जाएंगी, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। जैसे कोई स्वीकार ना करे, प्रभु से आप स्वीकार कर लो पत्नी के रूप में। भगवान ने कहा, हम हर भक्त को स्वीकार करते हैं और तुम्हें कोई स्वीकार ना करेगा तो हम जरूर स्वीकार कर लेंगे। उनके आग्रह पर विवाह किया और वो भगवान है, उनकी इंसान से तुलना नहीं हो सकती। इसलिए सिद्धांत समझो, शादी विवाह करना बुरा नहीं है। हमारे यहां नियम है, ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मण में, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, वैश्यों का वैश्यों में, शूद्रों का शूद्रों में। क्यों? क्योंकि सबकी मानसिकता एक सी होती है। ब्राह्मणों की लड़की ब्राह्मणों में जाएगी तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां का रीति रिवाज भी वैसा, यहाँ का रीति, रहन सहन एक सा हो जाएगा, खान पान एक सा। अब सोचो कि हिंदू लड़की मुसलमान में चली जाए तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। गाय को तुम माता मानती हो, वो गाय को मार मार के खाते हैं। इसलिए विवाह वहां करना चाहिए जहां पर विचार मिले। शरीर का मिलना विवाह नहीं है, विचारों का मिलना विवाह है। विचार मिलना चाहिए जहां, इसलिए ब्राह्मणों के विचार ब्राह्मणों से मिलते हैं तो तुम्हारी लड़की ब्राह्मणों के घर, क्षत्रियों के विचार क्षत्रियों से मिलते हैं, वैश्यों के विचार वैश्यों से मिलते हैं। इसलिए ये विचारधारा, ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को अन्यथा ना लेकर इस व्यवस्था की मर्यादा में रहना चाहिए। और यदि व्यवस्था की मर्यादा तोड़ोगे तो माता सीता ने भी लक्ष्मण रेखा की मर्यादा तोड़ी, उन्हें भी दुख उठाना पड़ा। यदि आप मर्यादा की रेखा तोड़ोगे तो फिर मर्जी आपकी, शोषण तुम्हारा होगा, बाजार में तुम्हें बेचा जाएगा, विदेशों में ले जाकर बिकती रहना। फिर तुम्हारे माता पिता तुम्हारा हित चाहते हैं, प्यार व्यार के लफड़े में ना पढ़ो, पढ़ाई करने गई हो मन लगा के पढ़ो, पढ़ लिख कर आओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। शादी जिससे हो जाए खूब प्यार करना, कौन रोकने आता है? फिर करो प्यार, कौन रोकेगा?